अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो सीधे हो जा, ज्यादा मेहनत मत कर, सीधे रहे। गाइस अभी जो है मैं उठ चुका हूँ सोकर, तो चले आ जाइए, पहले ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू दी न्यू व्लॉग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले करते हैं नाश्ता, फिर नाश्ता करने की बात आके हम आपसे शेयर करेंगे। कौन है ये लोग? क्योंकि जो है नाश्ता करना चाहिए सुबह, मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है। अच्छा, हमको सिखा रही है, तो चले आ जाए। जी मम्मा। हाँ, अभी मैं जो है नाश्ता कर रहा हूँ। नाश्ते के अंदर जो है आज मेरा चाय वाय पीने का दिल नहीं चाह रहा था, तो आज जो है मैं पैटीज वगैरह लेकर आया था, और पैटीज अच्छे भी लगते हैं नाश्ते। मैंने कर लिया है नाश्ता। अबे गधे, कितनी ओवर एक्टिंग करता है तू। 2 hours later। और उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ मामा को देखने के लिए कि मामा क्या बना रही हैं। और शाबाश बेटा। और उसके बाद हम लोग जो है बाहर भी जाएंगे कुछ काम से, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चले आ जाए, पहले देखते हैं मामा क्या बना रही हैं आज। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोपहर के अंदर जो है मामा ने जो है मेथी और दाल बनाई थी, मूंग की दाल मेथी बनाया था, जो कि बहुत ज़बरदस्त और शानदार बनता है। इसकी रेसिपी मैं आपको एक ना एक दिन ज़रूर दिखाऊंगा। दाल मेथी बनाई है, साथ में गरम गरम रोटी बन रही है। अमान आप चलें खाना खाएं बेटे, मैं आपके लिए खाना लगा रही हूँ। जैनब रोटी पलटो। आज मूंग की दाल मेथी बनाई है मैंने, और माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है मेथी मूंग की दाल। समझ में नहीं आता रोज़ क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा चलें दोपहर के लिए जो है वो मूंग की दाल मेथी बनाई जाए, और शाम में जो है वो दमा चुकी है। मैं अमान के लिए सर्व कर रही हूँ, अमान को, अमान खाने के लिए खड़े हुए हैं। ये लीजिए साथ में प्याज का कचूमर, और एंजॉय करो अमान आप खाना खाना, बड़े मज़ेदार लगता है। माशाल्लाह खाने हो रही है। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ दोपहर का खाना खाने के लिए, और दोपहर के खाने के अंदर जो है मम्मा ने जो है वो बनाए हैं दाल और मेथी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और सबको मन पसंद होती है। मेथी अभी नया नया आया है इसलिए। तो चले आ जाए, पहले दोपहर का खाना खाते हैं, फिर दोपहर के खाने के बाद अगर आपसे शेयर करेंगे तो आ जाइए। तो गाइस यहाँ पर जो है गर्मा गर्म रोटी बन के तैयार हो गई है, और अब मैं खा रहा हूँ दाल मेथी और प्याज का कचूमर। इसके साथ सलाद मामा ने बनाया था, सिरके वाला, बड़ा मज़े का सलाद बनाया था। तो आ जाएं आप लोग भी खाना खाएं, और इसी तरीके से बस घर की रूटीन वगैरह होती है, तो जो कि मैं आपसे शेयर वगैरह करता हूँ। A few moments later। हमने खा लिया है दोपहर का खाना, और अब हम जा रहे हैं मार्ट वगैरह कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। तो मम्मा जो है अभी यही बता रही हैं कि शैम्पू की बोतल ख़त्म हो गई, तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो जो है ना चले फिर सामान लेकर आते हैं, तो फिर आगे आपसे शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। चले मम्मा आ जाएँ। गाइस यहाँ पर जो है हम लोग बैग मार्ट वगैरह आए, और यहाँ पे भी बहुत अच्छा सामान मिल जाता है हमें, जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी ही मिल जाती हैं। और फिर अब हमने जो है उसके बाद मामा ने कुछ चीज़ें रह गई थी, मामा ने कहा कि लक्स वालों का हैंड वॉश ले लें, ये भी बहुत अच्छा होता है पाउच वगैरह का, और जो कुछ चीज़ें रह गई थी मामा के टिशू पेपर और सारी चीज़ें इस तरह की, और ये सर्फ एक्सेल का जो है ये लिक्विड में ज़बरदस्त होता है। और फिर उसके बाद मामा क्रॉकरी की साइड पर आ गई, बर्तन वगैरह देख रही थी, तो जो है ना मामा ने बर्नी वगैरह ली ड्राई फ्रूट रखने के लिए, जो है ना ये काम आती हैं अक्सर सर्दियों के अंदर। फिर मामा जो है क्रॉकरी का सामान देखने लग गई थी, जो है मामा बोली थी सूप वगैरह के प्याले जो होते हैं ये देखूं। फिर उसके बाद जो है मामा ने, मैंने मामा को कहा, मैंने कहा मामा ये स्लीपर्स वगैरह लगी हुई हैं देख लें अगर आपको कोई इसमें से पसंद आ जाए तो। तो मामा जो है यही अभी यहाँ पर जो है चॉइस वगैरह कर रही हैं, चप्पल्स वगैरह देखें बाय करेंगे देख रही हैं, लेकिन मामा को अभी कुछ पसंद नहीं आया था। तो उसके बाद जो है फिर हम लोग दूसरा सामान वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं मार्ट वगैरह से सामान वगैरह लेकर, और ये यहाँ ये नहीं भाई, ये तो गलत बात है, अब जाना ही पड़ेगा। अब तो अब मैं ही जा रहा हूँ ऊपर रखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र है कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, और मेरी वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, और मेरे चैनल को अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने नई वाली वीडियोस आपके पास आगा होती रहें। तो गाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जज़ाकअल्लाह उन सब्सक्राइबर का, और सब जो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोग को बहुत अपने घर में बहुत बहुत खुश रखे। गाइज आज हम लोग भाईजान ने बोला कि जो मामा को बनाया बोल दिया था कि आज आप खुद में कुछ भी नहीं बनाइएगा, तो आज जो है हम लोग जो है मतलब बाहर जा रहे हैं फिर खाना खाने के लिए, सूप पीने के लिए स्पेशली, और जो है फिर डिनर भी वहीं करेंगे। तो चले आ जाए, पहले रेडी होते हैं, फिर रेडी होने के बाद आगे मैं आपसे शेयर करूँगा। ओके गाइज, गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए, क्योंकि जो भाई बड़े वाले भाईजान ने कहा कि चलें आ जाएं आज बाहर डिनर करेंगे, तो इसलिए अभी हम बाहर जा रहे हैं, फिर बाहर जाने के बाद आगे मैं आपसे शेयर करेंगे, तो आ जाइए।
आ जाओ भाई, उठ जाओ जल्दी यार। यहाँ पर जो है हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं अब। आज हमारा सूप वगैरह पीने का भी दिल चाह रहा है, तो मम्मा ने कहा चलो ठीक है आज हम लोग बाहर खाना खाने चलते हैं। भाईजान ने भी कहा था, तो फिर मम्मा ने कहा चलो ठीक है। अब जो है यहाँ से अभी हम लोग इंटर वगैरह हो रहे हैं, फिर ऊपर जाएंगे, यहाँ से स्टेयर्स वगैरह बने हुए हैं। तो मुझे यहाँ का सूप भी बहुत पसंद है, और फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है। और ऑर्डर के अंदर जो है पहले सबसे पहले हमारे फ्राइज़ हम लोग मंगवा लेते हैं, क्योंकि ऑर्डर लाने के अंदर ये लोग बहुत ज़्यादा देर लगा देते हैं। तो जो है ना अभी मम्मा यही बोल रही थी कि अभी पहले ही फ्राइज़ आए थे, मैंने कहा मम्मा क्या सोच रही हैं, तो हम बोली कि ऑर्डर लाने में इतनी देर हो जाती है, लेकिन बस पहले फ्राइज़ हम लोग मंगवा लेते हैं, तो पहले फ्राइज़ हम लोग खाते रहते हैं, फिर इतने में ऑर्डर आ भी जाता है। तो फाइनली जो है यहाँ पर सूप आ चुका है हमारा, और सूप बहुत ज़बरदस्त होता है इनका, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फाइनली हमारा डिनर भी आ चुका है, तो ये देख सकते हैं कि जो है ना मक्खन हांडी वगैरह और गार्लिक नान वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है कि गार्लिक नान से, मतलब जो है मक्खन हांडी वगैरह जो होती है ये तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और अमूमन सबको पसंद होगा। इनका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है, रेस्टोरेंट बड़े अच्छे तरीके से बना रहे होते हैं, भाईजान वगैरह बात कर रहे हैं, तो जो बोले हैं कि पहले वीडियो बना रहे हो पहले खाना शुरू हो जाओ। तो यहाँ जो है मैं मक्खन हांडी खा रहा हूँ गार्लिक नान के साथ, और बहुत शानदार होती है, जायके में बहुत लजीज होती है, तो बहुत ज़बरदस्त। जो हमारा रोल वगैरह भी आ गया है, और आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर आता रहता है, क्योंकि हम लोग जो एकदम ज़्यादा मंगवा लेते हैं तो फिर वो ठंडा हो जाता है, तो फिर गर्मा गर्म मंगवाते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो फिर यहाँ पर अभी रोल्स वगैरह आए थे, और अब बर्गर वगैरह भी आने वाले हैं। यहाँ पर जो है कबाब वगैरह भी आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं सब अभी खाने में लगे हुए हैं। और भाईजान ने सूप वगैरह भी मंगवाया था, उनको सूप वगैरह भी बहुत पसंद है यहाँ का। तो अब हमारे बर्गर वगैरह भी आ चुके हैं, तो बस अब जो है हम लोग जो है ना खाना वगैरह खाएंगे, फिर उसके बाद जो है घर जाएंगे, फिर उसके बाद, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, और हम लोग अक्सर लेट ही निकलते हैं, क्योंकि लेट नाइट ही भूख लगती है, और अचानक से जो है जल्दी भूख नहीं लगती है कि 9:30 बजे तक भूख लग जाए। तो बस अभी हम लोग जो है फाइनली जो है हमारा बर्गर वगैरह आ चुका है, और मतलब हर चीज़ उनकी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, गर्मा गर्म होती है, बिल्कुल फ्रेश देते हैं ये लोग। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं डिनर वगैरह करके। ये पार्सल ले लिया था ना ये वाला। तो गाइस आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। और कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रहा था, तो काफ़ी दिन इसलिए हो गए मुझे, और मसरूफ़ भी था तो इसलिए। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो गाइस फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी आपसे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी मदर को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। Oh, oh, oh.